आवश्यकता इस बात की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान होना चाहिए, और वह कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान हमारा मंत्रालय उसको तैयार कर रहा है। गृह मंत्री बनने के बाद से ही राजनाथ सिंह के ऊपर एक बड़ा जिम्मा देश में नक्सल समस्या से निपटने का है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि खुद राजनाथ सिंह की ससुराल झारखंड के नक्सल प्रभावित गढ़वा जिले के रमुना गांव में है। ये गांव कई सालों से नक्सली हिंसा की मार झेल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते यहां पर विकास और ज्यादा रुका हुआ है। गृह मंत्री होने के कारण इस पर अंकुश लगेगा, यही हम उनसे आशा करते हैं। जब राजनाथ सिंह ने बतौर गृह मंत्री जिम्मा संभाला था तो इस गांव में भी लोगों ने जश्न मनाया। लोगों को उम्मीद थी कि उनके गृह मंत्री बनने के बाद गांव का विकास जरूर होगा, लेकिन नक्सल समस्या से सख्ती से निपटने के राजनाथ के बयान से अब गांव के लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। जब से उनका यह बयान आया गृह मंत्री बनने के बाद कि नक्सलियों के साथ सख्ती से निपटा जाए, उसके बाद से तो इस गाँव का माहौल थोड़ा और बिगड़ गया, हम लोग और दहशत में हो गए। इस इलाके में लाल आतंक की बात तो अधिकारी भी कबूल करते हैं, लेकिन इससे निपटने की उनकी सारी कोशिश सिर्फ कोरे आश्वासन पर जाकर टिक जाती है। पूरे जिले में उग्रवादियों से किसी भी कर्मचारी को कोई भय नहीं है। अभी तक पूरे जिले में एक भी ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस जिले में 3-4 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें उग्रवाद प्रभावित माना जाता है, क्योंकि जंगली क्षेत्र हैं इसलिए उन्हें उग्रवाद प्रभावित माना जाता है। हालांकि लोगों को अब भी उम्मीद है कि गांव का दामाद उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अभय तिवारी, APN गढ़वा।